उदयपुर नाम के राज्य में एक बहुत विशाल महल था, जिसमें राजा और उसके रानी बड़े ही ठाट बाट से रहते थे। राजा का नाम महेंद्र था और रानी का नाम सुष्मिता। सुष्मिता बहुत ही घमंडी और चालाक चतुर थी। उसके पास एक से एक महंगे वस्त्र थे और बहुत ही ज्यादा कीमती गहने भी। सुष्मिता एक बार पहनने के बाद कपड़े और गहनों को दोबारा रिपीट नहीं करती थी और न ही किसी को देती थी। एक दिन महल की दो नौकरानियां आपस में बात कर रही थी। रानी कितनी घमंडी और कंजूस है, कभी किसी को अपना एक गहना नहीं दे सकती और खुद भी नहीं पहनती। अगर पुराने कपड़े और गहने पहनने ही नहीं है तो गरीबों में क्यों नहीं बांट देती। तुम सही कह रही हो बहन। उन दोनों नौकरानियों की बात सुष्मिता सुन लेती है। उसे बहुत ज्यादा गुस्सा आता है। वो उन दोनों नौकरानियों को जोरदार तमाचा लगाती है और उन्हें घसीटते हुए ले जाकर काल कोठरी में बंद कर देती है और वहाँ से चली जाती है। आधी रात को एक नौकरानी देखती है कि उसके बगल वाली काल कोठरी में एक लड़की बेहद रो रही है। कौन हो तुम बहन? क्या तुम भी उस दुष्ट रानी के गहनों के लालच के कारण यहाँ बंद हो? तभी वो लड़की अपना चेहरा ऊपर करती है। उस लड़की की आंखें चमक रही थी। तभी नौकरानी देखती है कि वो लड़की तो सिर्फ आधी इंसान है, उसका आधा शरीर तो नागिन का है। नौकरानी बहुत ज्यादा घबरा जाती है और घबराते हुए बोलती है, तुम एक इच्छाधारी नागिन हो? नौकरानी की ये बात सुनने के बाद नागिन उसको कोई जवाब नहीं देती और वापस अपना चेहरा नीचे करके रोने लगती है। उस राज्य में रहने वाले लोग रानी को बिल्कुल पसंद नहीं करते थे और आपस में मिलकर हमेशा रानी की बुराइयां करते रहते थे। एक दिन की बात है, उसी गांव में रहने वाली औरत सरस्वती अपनी सहेली से कहती है, बहन हम लोग इस राज्य में कब से रह रहे हैं? हमसे पहले हमारे माता पिता रहते थे और हमारे माता पिता से पहले उनके माता पिता। पहले तो इस राज्य में कोई राजा रानी नहीं थे, फिर अचानक ये सुष्मिता रानी और इसका पति राजा कैसे बन गए? सरस्वती क्या तुझे जादू इच्छाधारी नागिन के बारे में कुछ नहीं पता? नहीं तो मुझे तो ऐसा कुछ भी नहीं पता। तुझे पता है तो तू बता ना। ये कहानी कुछ साल पहले की है। हमारे गांव के पीछे जो घना जंगल है उसमें एक बहुत खूबसूरत नागिन रहती थी। उसका नाम शिल्पा था। उसका रूप ऐसा था मानो वह स्वर्ग की अप्सरा हो। और इसी राज्य में एक दंपत्ति भी रहते थे। वो पति पत्नी कोई और नहीं बल्कि हमारे राजा रानी ही थे। राजा महेंद्र बहुत सरल स्वभाव के थे, लेकिन सुष्मिता बहुत घमंडी और नकचुड़ी थी। उसे तो केवल पैसों से ही प्यार था। एक रात वो दोनों पति पत्नी उस जंगल से गुजर रहे थे कि तभी उनकी नज़र नागिन शिल्पा पर पड़ी। उस दिन पूर्णिमा की रात थी, इसलिए नागिन नदी में स्नान कर रही थी। नागिन के ताज पर एक बड़ी सी नागमणि थी जिससे बहुत ज्यादा प्रकाश हो रखा था। तभी एकदम से सुष्मिता बोल पड़ती है, अरे ये नागमणि वाली इच्छाधारी नागिन, अगर ये हमारे हाथ आ जाए तो हमारे पास बहुत सारा धन होगा। चारों तरफ बस पैसा ही पैसा होगा। सुष्मिता नागिन को देखकर लालच में आ जाती है और एक बड़ा सा जाल फेंककर शिल्पा नागिन को कैद कर लेती है। और दूसरी औरत की बातें सुनकर सरस्वती कहती है, कुछ भी ऐसा थोड़ी ना हो सकता है। इतनी शक्तिशाली नागिन को कोई ऐसे ही थोड़ी ना पकड़ सकता है। मैं नहीं मानती। सरस्वती तो सुष्मिता को नहीं जानती है। मेरी दादी माँ कहती थी कि सुष्मिता को काला जादू आता है। अच्छा आगे की कहानी तो सुन। जब नागिन शिल्पा अपनी शक्तियों से जाल खींचने लगी तो सुष्मिता ने पास पड़े पत्थर को फेंक कर नागिन को बेहोश कर दिया। तभी उसके पति ने कहा, सुष्मिता तुम ऐसा मत करो, ये पाप होता है। देखो बेचारी नागिन कितनी बेबस लग रही है। ओहो तुम्हें तो ऐसे बुरा लग रहा है जैसे मैं तुम्हारी बहन पर अत्याचार कर रही हूँ। एक तो इतने सालों बाद हमें अमीर होने का मौका मिला है, अब तो ये नागिनी हमारी किस्मत की चाबी बनेगी। उसके बाद सुष्मिता ने शिल्पा नागिन को एक कमरे में कैद कर दिया। जब नागिन को होश आया तो उसने कहा, मूर्ख औरत तुझे क्या लगता है तुम मुझे कैद करके मेरी नागमढ़ी ले लोगी? तुझे शायद पता नहीं है
मेरी नागमणि की शक्तियाँ मुझसे दूर जाने के बाद खत्म हो जाती है। मैं तेरी तरह बेवकूफ नहीं हूँ नागिन, मैं नागमणि ही नहीं तुझे भी अपने पास ही रखूंगी। और फिर सुष्मिता ने उस कमरे के अगल बगल अपने काले जादू से एक कवच बना दिया ताकि शिल्पा नागिन वहाँ से निकल ना सके और नागिन रूप में आकर आतंक ना मचा सके। बेचारे शिल्पा नागिन बहुत रोती रहती थी। धीरे धीरे सुष्मिता शिल्पा से धन दौलत मांगने लगी, लेकिन उसका लालच तो बढ़ता ही जा रहा था। नागिन, आज मुझे ऐसे गहने चाहिए जो पूरे राज्य में किसी के पास ना हो। फिर शिल्पा नागिन डरते हुए उसे बहुत सारे गहने दे देती है। धीरे धीरे सुष्मिता ने महल, गाड़ी, नौकर, चाकर सब कुछ मांग लिया और ठाट बाट से रहने लगी। तभी एक दिन उसके पति ने उससे कहा, सुष्मिता बस करो अब, वरना एक दिन तुम्हारा ये लालच तुम्हें खत्म कर देगा। उस बेचारी लड़की को छोड़ दो। चुप करो तुम, अगर ज्यादा बोले तो मैं तुम्हें भी अपने काले जादू से भस्म कर दूंगी। इसी तरह वो दोनों फकीर से राजा रानी बन गए। उस औरत की सारी कहानी सुनने के बाद सरस्वती कहती है, अच्छा जी, रानी साहिबा ने तो बहुत गलत किया उस नागिन के साथ, और राजा वो कुछ क्यों नहीं बोलते? क्योंकि उन्हें अपनी पत्नी से डर लगता है, वरना वो तो नागिन को अपनी बहन मानते हैं। दूसरी तरफ महेंद्र सुष्मिता के कमरे में जाता है और बोलता है, सुष्मिता रक्षाबंधन का त्योहार आ रहा है, मैं चाहता हूँ मैं गांव की बहन बेटियों को कुछ दान करूँ। अच्छा जी, इससे अच्छा मैं तुम्हें ही ना दान कर दूँ? आज से पहले कभी दान हुआ है क्या? जो अब होगा, ये गांव की औरतें झूठी बहन बेटियाँ बनकर हमें लूटना चाहती है। सुष्मिता की बात सुनकर महेंद्र उदास होकर वहाँ से चला जाता है। फिर सुष्मिता अपनी नौकरानी से कहती है, सुनो चंदा, मुझे काल कोठरी तक जाना है, वहाँ का रास्ता खाली करवा दो। रानी अक्सर अकेली में ही शिल्पा नागिन से मिलती थी ताकि किसी को इस बात का पता ना चल सके। रानी काल कोठरी में जाती है, शिल्पा बिचारी एक कोने में बैठकर रो रही थी। सुष्मिता नागिन से कहती है, ओ नागिन, चल खड़ी हो और मेरी बात सुन। आज शाम को महल में मेरी कुछ सहेलियाँ आ रही है, इसलिए आज जश्न होगा, तू मुझे बेहद खूबसूरत गहने और साड़ी पहना दे। दुष्ट औरत, तुझे जितना पाप करना है तू कर ले, लेकिन मैं जानती हूँ कोई तो जरूर होगा जो मेरी रक्षा करने आएगा। भगवान शंकर जरूर किसी को मेरा भाई बनाकर यहाँ भेजेंगे। उसके बाद शिल्पा नागिन बेबस होकर खड़ी हो जाती है और उसकी नागमणि चमकने लगती है। देखते ही देखते सुष्मिता जेवरों से लद जाती है और खुश होकर वहाँ से चली जाती है। उसके जाते ही दो सिपाही वहां आकर खड़े हो जाते हैं। महेंद्र ये सब छुपकर देख रहा था। शाम का समय आता है, सभी शाम को जश्न में व्यस्त थे। तभी महेंद्र सबसे नजर बचाकर कुछ फल उठा लेता है और काल कोठरी के पास आ जाता है। पता नहीं नागिन बहन ने कुछ खाया भी होगा या नहीं, हे शिव जी अब आप ही कुछ कीजिए। तभी महेंद्र देखता है कि वो दोनों सिपाही जो काल कोठरी के पास खड़े रहते थे वो शिल्पा को छेड़ रहे थे। तुम कितनी खूबसूरत हो नागिन, थोड़ा सा जादू हमें भी करने दो ना। भाई अगर ये हमें जादू नहीं करने देगी तो हम जबरदस्ती कर लेंगे। उसके बाद दोनों सिपाही काल कोठरी के अंदर जाने लगते हैं। तभी महेंद्र पीछे से आकर उन्हें पकड़ लेता है और बहुत मारता है। ये सब देखकर नागिन कहती है, राजा आपने मुझे क्यों बचाया? इस काल कोठरी में रहने से अच्छा है मैं मर ही जाऊं। बहन तुम भाग क्यों नहीं जाती? कैसे भागूं मैं, आपकी पत्नी ने इस काल कोठरी के चारों तरफ काला जादू कर रखा है, लेकिन आप मेरे पास क्यों आए हैं? शिल्पा तुम भले ही नागिन हो लेकिन तुम मेरी छोटी बहन जैसी हो, और मेरी पत्नी ने लालच में आकर मेरी बहन की ये कैसी हालत कर दी। इतना कहकर महेंद्र बगल वाली दासी को आजाद करके वहाँ से भगा देता है। उसके बाद उसे एक आइडिया आता है और वो नागिन से कहता है, शिल्पा अगर तुम बाहर नहीं जा सकती तो क्या हुआ, सुष्मिता तुम्हें खुद बाहर ले जाएगी, तुम बस देखती जाओ। राजा शिल्पा को अपना आइडिया सुनाता है। शिल्पा राजा की बात सुनकर बहुत खुश हो जाती है। अगले दिन राजा बहुत खुश हो रहा था। रानी उसको देखकर चिढ़ जाती है, क्या हुआ इतने क्यों खुश हो रहे हो, कोई खजाना हाथ लग गया है क्या? हाँ कुछ ऐसा ही समझो, हमारे बगल वाले राज्य में जो मेरा दोस्त है ना उसको बहुत सारा खजाना मिला है, इतना सारा खजाना
कि वो हमारे इस कमरे में भी नहीं आ पाएगा। अब जल्द ही उस राज्य का राजा बनने वाला है वो, और वो भी सबसे अमीर राजा। महेंद्र की बात सुनकर रानी को बहुत गुस्सा आता है। वो मन में सोचती है, कोई मेरे से ज्यादा अमीर कैसे हो सकता है। मैं अभी उस नागिन से बहुत सारा खजाना मांगती हूँ, इतना सारा कि मेरा एक कमरा सिर्फ खजाने से भर जाए। ऐसा सोचकर सुष्मिता शिल्पा नागिन के पास जाती है और उससे कमरा भर के खजाना मांगती है। उसकी बात सुनकर शिल्पा कहती है, ठीक है, पर पहले तुम्हें मुझे यहाँ से निकालकर उस कमरे में ले जाना होगा जिस कमरे को तुम खजाने से भरना चाहती हो। नागिन की बात सुनकर सुष्मिता नागिन को काल कोठरी से निकालकर अपने महल के सबसे बड़े वाले कमरे में ले जाती है। काल कोठरी से निकलते ही नागिन बहुत विशाल रूप ले लेती है, इतनी विशाल कि सुष्मिता उसके सामने बहुत छोटी दिख रही थी। सुष्मिता कहती है, अरे नागिन, अब जल्दी से मुझे बहुत सारा खजाना दे दे। खजाना चाहिए तुझे? ठीक है, ये ले। नागिन अपनी फूक से बहुत सारा खजाना उगलने लगती है। धीरे धीरे खजाना पूरे कमरे में भरने लगता है और सुष्मिता उन खजानों से दबने लगती है। नागिन कमरे में खजाना भरती रहती है। थोड़ी ही देर बाद खजानों से दबकर सुष्मिता की मृत्यु हो जाती है। उसकी मृत्यु होते ही नागिन के ऊपर किया हुआ उसका काला जादू भी खत्म हो जाता है। अब नागिन हमेशा के लिए आजाद हो गई थी। नागिन महेंद्र के पास जाती है और कहती है, आपका बहुत शुक्रिया भैया कि आपने मुझे इस कैद से बचाया, लेकिन अपने बचाव के लिए मैंने आपकी पत्नी की हत्या कर दी, मुझे माफ कर देना भैया। कोई बात नहीं बहन, बुराई का अंत समय पर हो ही जाना चाहिए और तुमने वही किया है, मुझे तुमसे कोई शिकायत नहीं है। आपका दिल बहुत बड़ा है भैया, कल रक्षाबंधन है, मैं आपको कल राखी बांधना चाहती हूँ। हाँ हाँ, क्यों नहीं बहन। उसके बाद रक्षाबंधन वाला दिन आता है। नागिन राजा महेंद्र को राखी बांधती है। फिर महेंद्र कहता है, बहन मेरे पास तुम्हें देने के लिए तो कुछ नहीं है, परंतु मैं तुमसे वादा करता हूँ कि सुष्मिता ने तुमसे जितना भी धन दौलत लिया है मैं वो सब गरीबों में बांट दूंगा। नागिन बहुत खुश होती है। थोड़ी देर बाद बहुत सारी नागिन राजा को राखी बांधने आती है और सभी राजा को राखी बांध कर अपना भाई बना लेती है। राजा बहुत खुश होता है। उस दिन के बाद से हर रक्षाबंधन पर सभी नागिन उसको राखी बांधने आया करती थी। सुष्मिता के मर जाने के बाद महेंद्र अपना जीवन साधारण व्यक्ति की तरह व्यतीत करने लगता है।